विवेक बिंद्रा से पूछताछ करेगी। नोएडा पुलिस ने विवेक बिंद्रा को नोटिस भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया है। विवेक बिंद्रा पर पत्नी से मारपीट का आरोप है और पुलिस ने बिंद्रा की सोसाइटी की सुरक्षा गार्ड से पूछताछ के बाद बयान भी दर्ज किए। सेक्टर 94 सुपरनोवा वेस्ट रेजिडेंसी सोसाइटी का यह मामला है। इस मामले में विवेक बिंद्रा पर कई गंभीर धाराओं में केसेस दर्ज किए गए हैं। मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा को अब नोएडा पुलिस दोबारा पूछताछ के लिए बताएगी। नोएडा पुलिस ने नोटिस भेज दिया है। दरअसल मोटिवेशनल स्पीकर विवेक बिंद्रा पर आरोप है कि उन्होंने अपनी पत्नी के साथ मारपीट की थी, जिसके बाद उनके बहनोई ने मुकदमा दर्ज कराया। थाना 126 क्षेत्र में धारा 323, 504, 427 और 325 धारा के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट्स के आधार पर नोएडा पुलिस की जांच बढ़ रही है। इसके अलावा नोएडा पुलिस ने वहां पर मौजूद घटना के दौरान सुरक्षा गार्ड है उनसे भी पूछताछ की है और बयान दर्ज किए हैं। गाजियाबाद में मंदिर से दान पात्र चोरी हो गया है। चोरी की घटना सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। मंदिर के पुजारी ने थाने में चोरी का केस भी दर्ज करवा दिया है, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी चोरों को गिरफ्तार भी कर लिया है। थाना नंदग्राम क्षेत्र की पूरी वारदात है। सहारनपुर में पुलिस गौ तस्करों पर कहर बनकर टूट रही है। पुलिस पिछले 48 घंटे में 7 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर चुकी है और 3 अलग अलग इलाकों में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में इनमें से 4 मतमाशी के पैर में गोली लगी है। इसमें से एक गौकश 25,000 का नामी है। बता दें कि हाल के दिनों में चिलकाना, फतेहपुर और कोतवाली देहात इलाके में गौवंशों की हत्या के कई केसेस सामने आए थे, जिसके बाद हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश था। बजरंग दल और वीएचपी नेताओं ने एसएसपी से मिलकर गौकशों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने की मांग की थी। हरिद्वार में 6 जनवरी को गुरुकुल शिक्षा पद्धति को बढ़ावा देने के लिए एक बड़े विद्यालय का उद्घाटन होने जा रहा है, जिसके बाद स्वामी रामदेव ने खुद कनखल के बाजार में घूमकर लोगों को निमंत्रण पत्र दिए। बाबा रामदेव ने कहा कि आने वाला साल भारत के लिए विश्व में नए उदय के रूप में जाना जाए। नए साल में भारत सामाजिक, आर्थिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में विश्व का नेतृत्व करने जा रहा है। स्वामी जी, ये क्या एक बड़ा गुरुकुल का उद्घाटन होने जा रहा है, क्या कहेंगे इस बार? 250 करोड़ की लागत से गुरुकुल बन रहा है और हमारी गुरुकुलीय संस्कृति की, सनातन की पुनः प्रतिष्ठा होगी। ऐसे व्यक्तित्व, चरित्र और नेतृत्व का निर्माण होगा जो देश की जड़ों से जुड़ करके अपने वेद ऋषि संस्कृति को अपने जीवन में आत्मसात करके जब आगे बढ़ेंगे तब मैकाले की शिक्षा पद्धति का अंत होगा और भारतीय सनातन शिक्षा पद्धति के अनुसार बच्चों को शिक्षा दीक्षा मिलेगी। तो एक तरफ राम मंदिर का निर्माण और दूसरा चरित्र निर्माण से राष्ट्र निर्माण और एक नए युग का निर्माण का सूत्रपात होगा। उसके लिए 6 तारीख को आदरणीय श्री राजराज जी आ रहे हैं उसका शिलान्यास करने। देश के 5 पूर्व प्रधानमंत्री वहां पर आए हैं और वहां के यशस्वी स्नातकों में शांति कुंज के संस्थापक श्रद्धे श्याम शर्मा जी से लेकर के प्रकाशवीर शास्त्री जी से लेकर के बहुत बड़े बड़े देश के आज़ादी का आंदोलन हो या हैदराबाद का सत्याग्रह हो, बहुत बड़ा ऐतिहासिक वो गुरुकुल रहा है। और यहाँ वक्त हो गया एक छोटा स्टैंड नष्ट कराया। बता दी कि चेकिंग के दौरान पुलिस ने प्रतिबंधित मीट से भरा कंटेनर पकड़ा था। कंटेनर में 21,000 किलो मीट संदिग्ध था। जांच के बाद पता चला कि पकड़ा गया मीट प्रतिबंधित है। एडिशनल SP ने बताया ड्राइवर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गैंग में शामिल और लोगों का पता लगाया जा रहा है। मुकदमा दर्ज हो गया है, बड़ी कार्रवाई की जा रही है। इस इंफॉर्मेशन में थाना 1 पुलिस ने वर्क किया, उस कंटेनर को पकड़वाया और उसमें से 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया। इंस्पेक्शन में, कंटेनर के इंस्पेक्शन में पाया गया कि उसमें 21,000 किलो संदिग्ध मांस है, जिसको संदिग्ध मानते हुए उसका परीक्षण कराया गया। परीक्षण मेडिकल रिपोर्ट जो आई है उसमें क्लियर हुआ कि वो जो संदिग्ध मांस है वो गौ वंश का मांस है। आज न्यायालय के आदेश से वो 21,000 किलो गौवंश के मांस को नष्ट किया गया है। देवरिया में दबंगों ने युवक को गोली मार दी। घायल युवक को मेडिकल अस्पताल ले जाया गया। मामला सदर कोतवाली का है। कुछ दिनों से रोहित यादव नाम का
शख्स विवाद उसका पवन यादव से हो गया था। विकास यादव और योगेश से विवाद चल रहा था, इसी बात को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने थे। वहीं गोलीकांड की सूचना के बाद पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एसओजी टीम समेत 3 टीमों का गठन कर दिया है। उसके 3 जानने वालों ने घर से बुला करके उसके ऊपर असले से फायर किया और गोली उसके गले के पास से निकली है और मजरूह को मेडिकल कॉलेज देवरिया में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत स्थिर है और इसमें परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर 370 IPC का अभियोग दर्ज कर लिया गया है, जिसमें 3 अभियुक्त नामजद हुए हैं। लगातार इसमें गिरफ्तारी के लिए दबिशें दी जा रही हैं। हाथरस पुलिस ने गांजा तस्कर को पकड़ा, उसके पास से 2 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है। सादाबाद के नजदीक चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। पुलिस ने उसके ऊपर थाना सासनी में केस दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। '28 को पुलिस अधीक्षक हाथरस महोदय के आदेश अनुसार अवैध मादक पदार्थों की रोकथाम और तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सासनी द्वारा चेकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 2 किलोग्राम नशीला पदार्थ बरामद हुआ। अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदी के संबंध में थाना सासनी पर सुसंगत धाराओं में अभियुक्त पर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाए। मऊ के घोसी कोतवाली इलाके में पुरानी रंजिश को लेकर चाकूबाजी हो गई, जिसमें 2 लड़के गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने 1 लड़के को हिरासत में ले लिया है और जांच की जा रही है। गांव में ही 3 युवक ने चाकू मारकर दोनों भाई को घायल कर दिया था और राबू ने अस्पताल पहुंचा दिया गया है। डॉक्टरों ने गंभीर हालत होने के लिए वाराणसी इलाज के लिए उनको रेफर कर दिया है। 1 युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया, 2 युवक मौके से फरार हो गए। पायलट इंद्रजीत। महोबा के नमामि गंगे परियोजना में सेंधमारी कर लाखों के पाइप चोरी करने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया है। पाइप चोर गिरोह के 15 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 33 लाख के पाइप समेत DCM ट्रक, 2 कार बरामद की गई हैं। पुलिस अधीक्षक ने बताया, एक ट्रक चोर गिरोह काफी दिनों से लोहे के पाइप ट्रकों से चोरी कर ले जा रहे हैं। पाइप चोरी कर जौनपुर में बेचते थे। इस गैंग का मास्टरमाइंड उस्मान भी अरेस्ट कर लिया गया है। इसके अंदर जो लोहे की पाइप्स पड़ती हैं, ऐसी सूचना मिली थी पुलिस को कि जो लोहे की पाइप्स पड़ती हैं उनकी चोरी करने वाला गैंग एक्टिव हुआ है। ऐसी सूचना प्राप्त होने पे पुलिस के द्वारा लगातार इसे मुखबिरी कलेक्ट की जा रही थी और अजनर क्षेत्र में स्पेशली इसकी सूचना आ रही थी। अजनर टीम और कोतवाली टीम दोनों इसमें लगे हुए थे, SOG वगैरह भी इसमें लगे हुए थे। ऐसी सूचना प्राप्त होते ही पुलिस वहां पहुंची और वहां पर इस ट्रक को इंटरसेप्ट किया गया, जिसके अंदर लोहे की पाइप्स मिली हैं। साथ ही 2 गाड़ियां मिली, उनके चालक मिले। कुल मिलाकर के 15 लोगों का ये टोटल लोग हमें मिले। चित्रकूट में 3 लड़कों की पिटाई मामले में GRP SP ने थाना अध्यक्ष समेत 5 पुलिस वालों को लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही 5 पुलिसकर्मियों के खिलाफ GRP थाने में केस दर्ज किया है। बता दें, बीते 24 दिसंबर पूर्वा गांव का रहने वाला ओम नारायण नाम का युवा घर से गुस्सा होकर चित्रकूट धाम रेलवे स्टेशन चला गया था। उसको ढूंढने के लिए उसका एक मामा और एक चचेरे भाई रेलवे स्टेशन पहुंचे, जहां GRP ने 3 लड़कों को बिना टिकट होने पर पीटा। परिजन का आरोप है कि GRP पुलिस ने 3 को 3rd degree दी। में कुछ दिनों से जो चल रहा है ये संबंध में जो वादी की तहरीर थी सुरेश की, उनके तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है और CO GRP द्वारा उसकी विवेचना की जा रही है। जो सही तथ्य होंगे और उसके अनुसार उसकी कार्रवाई की। जौनपुर में 10 बदमाशों ने थाने में सरेंडर किया है। पुलिस एक्शन की डर से सरेंडर किया गया है। हाथों में तख्ती लेकर बदमाश थाने पहुंचे और अपराध न करने की कसम भी खाई। बरसठी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। मुरादाबाद में पुलिस ने 4 महीने की बच्ची को किडनैपर से चंगुल से छुड़वाया है। पड़ोस में रहने वाले मुमताज और उसकी पत्नी अफसाना ने बच्ची को अपहरण किया था। दोनों की कोई संतान नहीं थी। दंपति बच्ची को लेकर पहले कोलकाता गए और कोलकाता के बाद नागपुर ले गए। सर्विलांस की मदद से पुलिस आरोपी तक पहुंची। दोनों आरोपी वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। मामला ठाकुर द्वारा इलाके के 25 दिसंबर का है। हो सकता है कि यही लोग इसको लेके गए हों और जब इनको वहाँ पे तलाशा गया तो ये लोग वहाँ पे
नहीं मिले। जब इनकी जानकारी की गई थी पता चला कि वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, तो यहाँ से हम लोगों ने इसमें इस बच्चे की बरामदगी के लिए थाना ठाकुर द्वारा और CO ठाकुर द्वारा और इसके अलावा 4 इसमें टीमों का गठन किया गया, जिनका कि सुपरविजन SP देहात साहब के द्वारा किया गया और लगातार इसमें हम लोगों ने काम किया। और बाई एयर हमारी जो टीम है, चूँकि जानकारी मिली थी कि इनके द्वारा एक ट्रेन यहाँ से टिकट लिया गया मुरादाबाद से। महाराजगंज के सुनौली बॉर्डर पर भारत से नेपाल में घुसपैठ करने 2 महिला समेत 4 ईरानी नागरिकों को इमिग्रेशन हथियारों ने अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार किए गए ईरानी नागरिक काफी वक्त से अवैध रूप से भारत में रह रहे थे। जांच के दौरान उनके वीजा में भी छेड़छाड़ पाया गया। भारत नेपाल के सुनौली बॉर्डर के रास्ते अवैध रूप से भारत से नेपाल जा रहे 2 महिला समेत 6 विदेशी नागरिक नेपाल में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे थे। जांच के दौरान अधिकारियों ने सभी को अरेस्ट कर लिया। गिरफ्तार सभी ईरानी एक ही कुनबे के बताए जा रहे हैं। काफी दिनों से भारत में अवैध तरीके से रह रहे थे। इमिग्रेशन अधिकारियों ने सभी को सुनौली पुलिस के हवाले कर दिया। आगे की कार्रवाई की जा रही है। जब उनके डॉक्यूमेंट को चेक किया गया तो उनके पास जो भारत में रहने की अवधि की वीजा थी वो मार्च 2023 और अप्रैल 2023 तक ही थी। इसके अलावा पेपर को चेक करने पर यह भी जानकारी हुई कि उन्होंने फर्जी स्टाम्प लगा करके आवर्जन विभाग का इमिग्रेशन डिपार्टमेंट का नेपाल में जाने का प्रयास किया। इस आधार पे इमिग्रेशन डिपार्टमेंट द्वारा थाना सुनौली पे एक तहरीर दी गई है। बुलंदशहर में तेज रफ्तार कैंटर ने बाइक सवार 2 को टक्कर मार दी। हादसे में जीजा साले की मौत हो गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। और हादसे के बाद जो ड्राइवर था वो कैंटर छोड़कर मौके से फरार हो गया। पुलिस कैंटर को कब्जे में लेकर थाने ले गई। बताया जा रहा है कि दोनों दिल्ली से लौटकर अपने गाँव जा रहे थे। इसी बीच थाना सिकंदराबाद कोतवाली के पास हादसे का शिकार हो गए। और आईएमए में पुलिस ने रोहित शाह के नाम के अपराधी को 6 महीने के लिए जिला बदर घोषित कर दिया। पुलिस ने इस बाबत उसके घर नोटिस चिपकाया और डुगडुगी बजवाई। गुंडा एक्ट के तहत ये कार्रवाई की गई। थाना दिबियापुर पुलिस ने कार्रवाई की। अपराधी रोहित शाह के औरैया जिले के दिबियापुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है। पुलिस ने 6 महीने के लिए उसके औरैया जिले की सीमा में आने पर पाबंदी लगा दी है। मेरठ में नगर निगम की बोर्ड बैठक में जमकर हंगामा हुआ है। बैठक में बीजेपी MLC और SP पार्षद में हाथापाई हुई। दिखाते हैं आपको कि किस तरह से, ये देखिए किस तरह से नगर निगम की बोर्ड बैठक में हंगामा हुआ। इस तरह विकास कार्य पर चर्चा के लिए बुलाई गई बैठक मारपीट और हंगामे की भेंट चढ़ गई। हंगामे के बाद वहां पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। नए साल के जश्न के लिए विश्व प्रसिद्ध इटावा सफारी पार्क पूरी तरीके से तैयार है। पार्क प्रबंधन को उम्मीद है कि पिछले साल की तुलना में काफी पर्यटक सफारी पार्क में नए साल के अवसर पर आनंद उठाने के लिए पहुंचेंगे। सैलानियों के लिए बड़ी संख्या में बस और छोटी गाड़ियों के इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि इटावा सफारी पार्क एशियाई शेरों के सबसे बड़े अशियाने के तौर पर जाना जाता है। उनकी संख्या को देखते हुए इस बार उसी क्रम में जो है बसों की अतिरिक्त बसें लगाते हुए उसकी व्यवस्था की गई है ताकि पर्यटक आए तो उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कम से कम समय में जल्दी से जो सफारी का है वो लुत्फ़ उठा सकें। और स्क्रिप में और जो साफ सफाई है, पानी की व्यवस्था है, ये सब थोड़ा सा अच्छा महसूस करेंगे इस बार। पीलीभीत शहर काजी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मिले। शहर काशी जरताब राजा ने अयोध्या में बनने जा रही मस्जिद के उद्घाटन में सूफी विचारधारा के लोगों को शामिल करने की बात कही। जरताब राजा ने कहा कि सूफी विचारधारा के लोगों को नई मस्जिद की जिम्मेदारी दी जाए। उत्तरकाशी में न्यू ईयर के जश्न के लिए केदार कांठा ट्रैक पर पर्यटकों की चहलकदमी बढ़ गई है। भारी संख्या में पर्यटकों की बढ़ती चहलकदमी के कारण पार्क प्रशासन की मुसीबतें भी बढ़ गई हैं। केदार कांठा जाने के लिए दिल्ली, मुंबई, महाराष्ट्र, गुजरात, बंगाल, मध्य प्रदेश, बेंगलोर सहित विभिन्न हिस्सों के सैलानी बड़ी संख्या में सांकरी पहुंचे, लेकिन सीमित संख्या होने के कारण पार्क प्रशासन ने उन्हें सांकरी बैरियर पर ही रोक दिया, जिसके बाद एजेंसी संचालकों ने पर्यटकों के साथ पार्क प्रशासन का विरोध जताया।
और केदारकांठा जाने की अनुमति दिए जाने की मांग की। इस दौरान सांगरी चेकपोस्ट से सांगरी बाजार तक भारी भीड़ उमड़ी रही और पर्यटकों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। चार घंटे बाद पार्क प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, पर्यटकों से बात कर उन्हें बारी बारी से जाने की अनुमति दी। इस बार भी नए साल के लिए पर्यटक बड़ी संख्या में केदारकांठा, हर की दून, भराड़सर, जल सरोवर, देवक्यार, मानजीवन समेत गंगा घाटी के हर्षिल वैली का रुख करते नजर आए। वाराणसी से खबर है, न्यू ईयर को लेकर काशी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी पहुंच रहे हैं। ऐसे में श्रद्धालु को लेकर प्रशासन भी सख्त है और सतर्क है। पुलिस प्रशासन ने गोदौलिया में एक बैठक भी की, व्हील चेयर व्यवस्थाओं को लेकर चेयर वाहकों को निर्देश भी दिए गए। आपका कार्ड बन जाएगा, नए साल में कार्ड मिलेगा। अब आपको पूछ रहे थे मंदिर के अंदर, मंदिर के गेट वहां पर, और ये हमारे मेरठ के रहने वाले विशाल मान अंग्रेजी सिखाने के अपने विशेष अंदाज की वजह से काफी चर्चा में है। कोरोना काल के दौरान बच्चों को डांस करते अंग्रेजी सिखाने का वीडियो वायरल हुआ था और ये वायरल हुआ वीडियो कई टीवी सीरियल्स में भी नजर आया है। अब भगवान राम के लिए विशाल मान ने एक रैप सॉन्ग सुनाया, सुनिए। राम राम मेरे दिल में है, राम 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 सो राम सो राम 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 जी आप अयोध्या में आए, राम जी आप अयोध्या में आए, खुशियां लाए जी खुशियां लाए, खुशियां 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 लाए, राम जी आप अयोध्या में आए, खुशियां लाए खुशियां लाए, घर 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 गग गग घर, घर 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 गग गग घर, घर में दीपावली के दिए जलाए, अजी राम जी आए। काफी शानदार रैप उनकी तरफ से गाया गया। अब आगे बढ़ते हैं, खबर मेरठ से है। इंडियन आइडल फेम गायिका अंजलि ने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो गीत गाकर भगवान राम को प्रणाम किया है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण को लेकर सभी अपने अपने अंदाज में खुशी जाहिर करते नजर आए। मेरठ पहुंची इंडियन आइडल फेम गायिका अंजलि ने पायो जी मैंने राम रतन धन पायो गीत गाकर अपनी भावनाओं का इजहार किया है, सुनिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोल के दी मेरे सती गुरु, वस्तु अमोल के दी मेरे सती गुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने कृपा कर।